सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सरकारी अफसर हो, ठाठ बाठ हो और सोशल मीडिया पर मुतहरिक ना हो, बात कुछ समझ नहीं आती है। मगर अब सरकार की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। 25 अगस्त बुध के रोज एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में ये ऐलान किया गया कि सरकारी मुलाजमीन दौरान ड्यूटी किसी भी सोशल मीडिया की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर किसी सरकारी मुलाजिम ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शमूलियत इख्तियार करनी है तो उसे हुकूमत से बाकायदा इजाजत लेना होगी। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जिम्मेदारों को ये चाहिए कि वो सोशल मीडिया अकाउंट से जारहाना, नामुनासिब और काबिल एतराज तबसरों को हटाएं। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने यह भी कहा है कि सरकारी मुलाजमीन सरकारी डेटा चोरी करते हुए यूट्यूब समेत मुख्तलिफ चैनल्स को देते हैं। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि अब सरकारी दफातर में मुलाजमीन को सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जा सकेगा। नोटिफिकेशन में इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि सरकारी मुलाजमीन कोई भी दस्तावेज अपने जाती व्हाट्सएप पर भी शेयर नहीं कर सकेंगे। अब बात हो जाए उन सरकारी मुलाजमीन की जो अपनी और सरकार की परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करते नजर आते हैं और खासे एक्टिव रहते हैं, तो सबसे पहले बात की जाए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की। मोहम्मद हमजा शफकात इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमजा शफकात सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। आयशा भट्ट लाहौर में एसपी की ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, वो भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। कभी पंजाब पुलिस के जवानों की कारकर्दगी तो कभी फैमिली तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद सैयद मुस्तफा तनवीर भी सोशल मीडिया पर खासे मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा की बात करें तो उनको चार्ज संभाले अभी चंद रोज ही गुजरे हैं, मगर इनकी सोशल मीडिया परफॉर्मेंस कई सरकारी मुलाजमीन से कहीं बेहतर नजर आ रही है। अब बात की जाए डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार की, तो फैसल गुलजार भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी और टीम की परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया की जीनत बनाते रहते हैं। याद रहे कि सरकार की जानिब से दिसंबर 2019 में पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोका गया था, मगर इसका कोई खातिर ख्वाह फायदा ना हो सका। अब फिर हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस नोटिफिकेशन पर कितना अमल दरामद किया जाता है और इसका क्या नतीजा निकलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।